नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हो सके सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर अटेंडेंट कम टेक्नीसियन ट्रेनी का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑपरेटर कम टेक्नीसियन, जिसको बॉयलर ऑपरेशन कहते हैं, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, थ्री अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 46। आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट भी है साथ में टेक्नीशियन ट्रेनी भी, मल्टी पोस्ट है। आपको अटेंडेंट भी बोल सकते हैं या फिर टेक्नीशियन ट्रेनी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वो जो स्ट्रीम होगा दोस्तों, फिटर, इसका जो पे स्केल बंदो वो 25,000 से लेके 35,000। इसका पहला पोस्ट, पहला स्ट्रीम है फिटर। टोटल वैकेंसी 5, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, टोटल 6 पोस्ट, मैंने 5 बोला था, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन टोटल पोस्ट 12, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, और पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, टर्नर स्ट्रीम के लिए 3 पोस्ट, 3 में से 2 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, 1 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं है। दूसरा है दोस्तों, बोट क्रेन ऑपरेटर, जो क्रेन वगैरह होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज ले जाने वाला जो कार होते हैं, गाड़ी, उसका जो ऑपरेटर, टोटल 9 पोस्ट, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। दोस्तों, यहाँ पर भी वन पोस्ट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। वेल्डर के लिए 5 पोस्ट टोटल, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, हैवी व्हीकल ड्राइवर टोटल 5 पोस्ट, यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, सेकंड आता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, यानी बॉयलर ऑपरेशन, बॉयलिंग मशीन जो होता है बड़े, उसका ऑपरेटर। इसका पे स्केल मिलेगा, यहाँ पर इसके लिए 3 पोस्ट, इसका पे स्केल मिलेगा 26,600 से लेकर 38,920। और दूसरा आता है दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर। आपको अटेंडेंट भी बोलेगा, बॉयलर टेक्नीशियन भी बोलेगा। यहाँ पर 3 पोस्ट, इसका पे स्केल 25,000 से लेकर 35,000। तो सब पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए 3 पोस्ट टोटल, वो यूआर कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए बॉयलर अटेंडेंट, यहाँ पर भी 3 पोस्ट है, ये भी यूआर कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ISP/Recruit, यानी RECT/DR/ 2023 होगा। दोस्तों, सॉरी, 2023/1। दोस्तों, क्वालिफिकेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ब्रॉयलर ऑपरेटर, ब्रॉयलर ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, 10th पास विद डिप्लोमा, आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल या फिर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन किसी भी एक स्ट्रीम में से आपको डिप्लोमा होना चाहिए और आपका 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, दोस्तों यहाँ पर 10th पास विद ITI फिटर रिगर इलेक्ट्रिशियन टूर्नर। आपको 10th पास के साथ साथ ITI होना चाहिए फिटर रिगर इलेक्ट्रिशियन टूर्नर पे, किसी भी एक स्ट्रीम पे। दोस्तों, तीसरा था अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन, आपको अटेंडेंट भी बोल सकते हैं या फिर टेक्नीशियन ट्रेनी भी बोल सकते हैं। इसका
इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए 10 पास विद आईआईटी, सॉरी फ्रेंड्स आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर, फिटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 10 पास चाहिए विद आईटीआई फिटर ट्रेड। दोस्तों नेक्स्ट आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी टूनर, 10 पास विद आईटीआई टूनर ट्रेड। दोस्तों नेक्स्ट आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वेल्डर, यहाँ पर भी सेम 10 पास विद वेल्डर ट्रेड। दोस्तों नेक्स्ट आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ईओटी क्रेन ऑपरेटर, यहाँ पर 10 पास इन फिटर रिगर टूनर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपको 10 पास के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए फिटर रिगर टूनर इलेक्ट्रिशियन में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। दोस्तों अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर, इसके लिए आपको 10 पास होना चाहिए, वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बड़े गाड़ी चलाने का लाइसेंस, और मिनिमम 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जितना भी पोस्ट है, या फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ब्रॉयलर पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिला कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों और हाइट, सॉरी फ्रेंड्स वेट, पुरुष कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45 केजी होना चाहिए, उससे नीचे होने से आप अप्लाई नहीं कर सकते, और महिला के लिए मिनिमम 35 केजी होना चाहिए, याद रखिएगा। दोस्तों ये जॉब एडवर्टाइजमेंट पुरुष महिला दोनों के लिए है। दोस्तों वेतन क्रम मैंने पहले बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर 25,000 से लेकर 39,000 बेसिक पे स्केल के आप लोगों को सैलरी मिलेगा। एज लिमिट दोस्तों फॉर ऑपरेटर पोस्ट, जितना भी ऑपरेटर पोस्ट है उसके लिए, दोस्तों ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 ईयर, और बाकी जितना भी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, टेक्नीशियन कम अटेंडेंट जितना भी पोस्ट है उसके लिए 18 से लेकर 28 ईयर। दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सबको, गवर्नमेंट रूल को जैसे मिलता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैसे ही रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर 3 ईयर 10 ईयर करके। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी वाइज, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। दोस्तों और यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट ट्रेनी बॉयलर अटेंडेंट कोई भी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, पहले वाला था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और यह है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब कैटेगरी, जॉब लोकेशन दोस्तों बूढ़पुर पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क का, एंड स्किल टेस्ट होगा, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में आपको स्किल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 मार्क आपको, दोस्तों कट ऑफ मार्क यू आर ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए, एस सी एस टी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 40%। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है 29 दिसंबर से, ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 18 जनवरी 2024। दोस्तों ऑफिशियल साइट www.sale.co.in। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक दोनों ही दे दिया। दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन लिंक ओपन करके पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, और अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।